हाँ मार रहा है, लेकिन हम लोग का इधर मिला ईटानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए नहीं उतरा है। अभी जाके हम डायरेक्ट ये में मरेगा, लोता में मरेगा, किसी को भी नहीं मारेगा। वो तो अनकॉन्टेस्ट जीत गए ना। वो अनकोटे जीत गया, वो का ये नहीं है, इसलिए हम लोग 1 रुपया भी नहीं मिला। इसलिए आप जाके ऐसे ऐसे बंद करके ना तोड़े तोड़े करके ना लोता भी मार देगा। वो हो गया ना क्या? सर फिंगर मॉर्निंग मॉर्निंग पार्लियामेंट्री और वेस्टर्न पार्लियामेंट्री दोनों में काफ़ी टूरिंग किया और लोगों से काफ़ी मेरा चर्चा हुआ, इंटरेक्शन हुआ है, तो लोग काफ़ी खुश हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है और नरेंद्र मोदी साहब ने जिस प्रकार से 10 सालों में अरुणाचल प्रदेश को जो मदद दिया है, तो लोग अभी कह रहे हैं कि अभी समय आ गया है नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद प्रकट करने का। नरेंद्र मोदी साहब को डायरेक्टली वोट तो दे नहीं सकता, मगर हमारा दोनों जो लोकसभा उम्मीदवार है, वेस्टर्न में किरण रिजिजू जी और ईस्टर्न में तबीर गांव जी, तो दोनों को सभी लोग कमल कपूर में दबा के मोदी साहब को धन्यवाद एक्सप्रेस करेंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बार का चुनाव में 10 सीट ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी को अनकॉन्टेस्टेड हम लोग को मिला है, बाकी 50 कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं और जिसमें से हमारा पूरा टारगेट है कि 50 में से 50 और टोटल 60 में से आउट ऑफ 60 भारतीय जनता पार्टी की परिणाम आने की उम्मीद है। और विपक्ष को कितना झटका लगने की उम्मीद है? जैसे आज आप देख सकते हैं कि आज फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आज फर्स्ट फेज का पोलिंग चल रहा है और अरुणाचल प्रदेश का जितने भी जो हमारा असेंबली विधानसभा हो या लोकसभा, आज एक ही फेज में पूरे राज्य में पूरा वोटिंग हो रहा है और जिस प्रकार से अच्छे तादाद में लोग अपना डेमोक्रेटिक राइट्स को यहाँ एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं, तो इस बार मैं उम्मीद करेंगे कि पिछले जो लास्ट 5 ईयर्स पहले 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उससे भी कहीं गुना आगे मतदान इस बार पार्टिसिपेशन लोग करेंगे। इलेक्शन कमीशन का तरफ से भी काफ़ी अवेयरनेस लोगों को दिया गया है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी के जरिए से भी लोगों को काफ़ी अवेयरनेस दिया गया है और इस बार का जो चुनावी जो माहौल है ऑलरेडी पूरे अरुणाचल प्रदेश में पूरा तय है कि इस बार पूरे राज्य भर में कमल का फूल खिलना पूरा तय है। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी एक नया रिकॉर्ड के साथ इस राज्य में हम लोग आंकड़ा हम लोग गिनेंगे विधानसभा में और लोकसभा का दोनों सीट दोनों कमल में ही जाएगा और विद थम्पिंग मेजोरिटी हमारा दोनों लोकसभा की यहाँ से हम लोग जो चुन के मैडम इतना ही बना यहाँ से
ये ज्यादा लगा जैसे इंक फर्स्ट टाइम वोट मार के तो अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है। हम तो वही सोचते हैं, मतलब वोटिंग आदमी का राइट होता है तो उसको वेस्ट जाने नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग का फ्यूचर का सवाल है तो हम लोग वोटिंग अच्छा से मारना है। वही एमएलए कॉन्टेस्ट तो नहीं हो रहा है, थोड़ा 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 जोश कमती है, क्योंकि एमएलए जो मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलपमेंट करवाते है तो उसका कारण से, लेकिन हमको भरोसा है। लेकिन अभी हम लोग जिसको भी फ्यूचर में हम लोग उठाने जा रहे हैं एमपी था, वो हम लोग को कल को जाके अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा नेशन में। कोई आपका नाम? मेरा नाम तमर दगिया। हाँ हम मार रहे, लेकिन हम लोग का इधर मिला ईटानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए नहीं उतरा है। अभी जाके हम डायरेक्ट ये में मरेगा, लोता में मरेगा, किसी को भी नहीं मारेगा। वो अनकॉन्टेस्ट जीत गया वो का ये नहीं है, इसलिए हम लोग एक रुपया भी नहीं मिला। इसलिए आप जाके ऐसे ऐसे बंद करके ना तोड़े तोड़े करके ना लोता में मार देगा। वो हो गया ना, आते रहो काट काट आई काट आई काट आई काट इटू इटू इलेक्शन आते रहो आता आता हाँ आ रहा आ रहा हाँ ऊपर उठा था क्या था कैसा ले लो हाँ चलो चलो आगे था शाम तक हम लोग को देखना है ये भैया ऐसे दबाई कर शुरू हो गया।
तो इलेक्शन काटो वालों इंडिया टुडे इंडिया टुडे रेडी। हम अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में अरुणाचल और असम की बाउंड्री में ये होलोंगी यहाँ पे एक शहर है होलोंगी। यहाँ पे इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है अरुणाचल प्रदेश में एमपी के चुनाव जो उसके साथ ही साथ राज्यसभा के जो अरुणाचल की असेंबली है 50 सीटों पे चुनाव है 60 असेंबली सीट है अरुणाचल प्रदेश में उसमें से 10 अनकॉन्टेस्ट निर्विरोध जीत चुके हैं अरुणाचल के सीएम डिप्टी सीएम और भी काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के नेता 10 सीटें अनकॉन्टेस्ट जीत चुके हैं और 50 सीटें जो हैं अरुणाचल की असेंबली की उन पे चुनाव है और 2 अरुणाचल की सीट है अरुणाचल एमपी वेस्ट और अरुणाचल एमपी ईस्ट। अरुणाचल एमपी वेस्ट में इस वक्त यहाँ पे जो वोटिंग हो रही है मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये अरुणाचल वेस्ट की भी यहाँ पे साइमल्टेनियस वोटिंग चल रही है जिसके सबसे बड़े दावेदार सब वीवीआईपी सीट है यहाँ पे किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके लिए भी यहाँ पे वोटिंग चल रही है। इस वक्त होलोंगी में है कुछ कुछ समाज के लोग निशीच जनजाति के लोग चकमा जाति के और सभी समाज के लोग इस वक्त यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में अभी तक कई कई इलाकों में ये बारिश मौसम बहुत ख़राब है आप देख सकते हैं फिर भी बारिश में जिस प्रकार बारिश आने की संभावना है फिर भी लोगों में उत्साह है वोटिंग करने का। आपको हम दिखाते रहेंगे कि इस वक्त वोट दे रहे हैं। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे।